तो हेलो गाइस, हम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे लुकिज्म के एपिसोड 8 के बारे में, जो इस सीजन का लास्ट एपिसोड है। तो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड में जीवन फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं सू जियांग को, जो पिछले कुछ एपिसोड में कन्वेंस स्टोर जाती थी और वो काइंड थी पार्क यंग सुक के लिए और हमेशा उसे मोटिवेट करती थी, और वो साथ में आई थी एक आदमी जोंग जियांग के साथ में। और स्कूल में हर अपने मेजर ने अपने स्किल के अकॉर्डिंग स्टॉल्स खोले थे। और हम देखते पार्क चिन हो को, जो अभी भी बुली हो रहा था अपने क्लासमेट से, और उसे फोर्स किया गया था एक टाइम कीपर प्ले करने का जिंग सियोंग की फाइट में, एज उन्होंने एक स्टॉल टाइप खोला था जिसमें जिंग सियोंग फाइट कर रहा था, और जो भी आदमी उसे कोई भी हिट करेगा वो पैसे जीत जाएगा। बट ऑब्वियसली उसे कोई हिट नहीं कर पा रहा था। और जब सू जियांग देखती है कि बच्चे उसे बुली कर रहे थे, उसे चीज़ बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। और वहाँ पे म्यूज़िक कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला था और हिंसुक अभी भी बहुत ज़्यादा नर्वस था। तो उसे देखकर वह बताता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी तो उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और तभी हिंसुक देखता है सू जियांग को, एज वो हमेशा उसकी मदद करती थी, तो उसे ढूंढने निकल जाता है। और वहीं बॉस उसे क्लासमेट एक आर्म रेसलिंग स्टॉल को ऑर्गेनाइज कर रही थी, जहाँ पे बॉस को अपने सारे मैचेस ईजली जीत रहा था। और वो नोटिस करता है ह्यूंगसुक को कहीं भागते हुए, और ह्यूंगसुक सू जियांग से मिलने जा रहा था उसे ग्रीट करने के लिए। बट वो अपनी नई बॉडी में था तो उसे सू जियांग नहीं पहचानती, और उसे लगता है कि उस पर लाइन मार रहा था, एज उसके अकॉर्डिंग पूरा स्कूल फुल था उसके जैसे लोगों की तरह जो दूसरों को जज करते हैं उनके लुक्स के बेस पे। और वहाँ पे आई थी म्यूज़िक परफॉर्मेंस देखने के लिए, बट वहाँ का एनवायरनमेंट उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था तो वापस जा रही थी। और इससे ह्यूंगसुक बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, एज सू जियांग अपने यूजुअल सेल्फ में नहीं थी। एज यूजुअली वो बहुत ज़्यादा काइंड थी, जो अभी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो ट्राई करता था स्टॉप करने का ताकि एक्सप्लेन कर सके। बट तभी जोंग जियांग उसे रोक लेता है और कहता है वापस जाने के लिए, वरना ये चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं होगी। लेकिन ह्यूंगसुक इस तरह अपने हाथ को छुड़ा लेता है, जिस पे जोंग जियांग एक्साइट होकर उसे किक करता है, जिससे ह्यूंगसुक नॉकआउट हो जाता है। स्टिल वो इम्प्रेस था ह्यूंगसुक के बैटल अवेयरनेस और उसके टैलेंट से, और उसे क्रश करने वाला था। बट तभी सू जियांग से रोक लेती है, एज इतना पीटने की जरूरत नहीं थी। बट जोंग जियांग ऑर्डर फॉलो कर रहा था, ऐसे ऑर्डर मिले थे कि जो भी अप्रोच करे सू जियांग को उसे बुरी तरह पीटने की, और वो फिर से उसे पीटने वाला था। बट तभी बॉस को वहाँ पे आ जाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज ह्यूंगसुक का फ्रेंड, जिस पे खुद ह्यूंगसुक भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। और बॉस को जोंग जियांग के रुकने के लिए, वरना ये चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं होगी। बट ये चीज़ जोंग जियांग के लिए बहुत ज़्यादा फनी थी, और वो बॉस को फेस पे पंच करता है, जिससे बॉस को नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। बट इसके बावजूद बॉस को बिल्कुल सही था, और वो जोंग जियांग कहता है उसके ग्लास उतारने के लिए, एज वो उनसे फाइट नहीं करता जो ग्लास पहनते हैं। और इस पे जोंग जियांग बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, एज उसके पंच का कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, और अब वो भी इस फाइट को सीरियस ले रहा था। स्टिल बॉस को तैयार था उससे लड़ने के लिए, एज ह्यूंगसुक उसका दोस्त था। और इसे सुन के ह्यूंगसुक वापस खड़े हो जाता है उससे लड़ने के लिए। और इस पे जोंग जियांग और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, ऐसे किक के बाद भी ह्यूंगसुक वापस खड़ी हो गया था, लेकिन स्टिल उन दो के पास कोई चांस नहीं था जोंग जियांग से जीतने का। लेकिन तभी सू जियांग जोंग जियांग को रुकने के लिए कहती है, वरना उसे वापस अपनी ओल्ड जॉब पे जाना पड़ेगा। और ये सुन के जोंग जियांग अपने आप को रिस्ट्रेन कर लेता है, और सू जियांग
उनसे माफ़ी मांगती है, एज उसकी वजह से उन्हें हर्ट होना पड़ा था। और इसके बाद सू जोंग और जोंग जियोन वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं बॉस्को को जो पंच से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था और बस एक्टिंग कर रहा था, और उसके अकॉर्डिंग उसके लेवल पे युंगसुक को तो बीट कर सकता है बट वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था कि वो जोंग जियोन को बीट कर दे। और उनके बीच की मिसेज टर्डिंग भी लास्ट एपिसोड में ख़त्म हो गई थी तो वो एक दूसरे से नॉर्मली इंटरेक्ट कर पा रहे थे, बट म्यूजिक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता तो युंगसुक वहाँ से चले जाता और वहीं पे जॉयल युंगसुक और देव खवा को कुछ कपड़े और एक्सेसरीज देता उनकी परफॉर्मेंस के लिए। और वहीं कॉम्पिटिशन में अब टर्न थी होबिन और जोंग जी की परफॉर्म करने की, और वो उन्हें कहते हैं उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए और सीखना चाहते हैं कि परफॉर्म कैसे करना है। और उनकी परफॉर्मेंस सही में ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी और पूरी ऑडियंस इसे लव कर रही थी, आज उनके लिरिक्स बहुत ज़्यादा पॉलिश थे क्योंकि उन्हें एक प्रोफेशनल लिखा था और रिकॉर्डर का ऑनर भी रिस्पॉन्स से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। और वहीं पे युंगसुक अभी भी बहुत ज़्यादा नर्वस था इस लोगों के सामने गाना गाने के लिए, तो दियो खबर से एडवाइस करता गाते हुए किसी ऐसे घर में सोचने की जिसे सबसे आप प्यार करता हो अपने पूरे हर्ट और सोल से, और जब वो ऐसा करेगा वो ऑटोमेटिकली अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा और उसके पास कोई रीज़न नहीं होगा नर्वस होने का। और वहीं पे होबिन और चियोंग जी परफॉर्मेंस एंड हो गई थी और होबिन दियोखो को बता रहा था कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल थी, और दियोखो भी इसको एक्सेप्ट करता है कि उनकी परफॉर्मेंस सही में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और दियोखो को उसके बारे में इतना कूल और शांत थी कि होबिन गुस्सा हो जाता है और उसे पंच करता है, और ये सीन देख के युंगसुक भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो वहीं पे फाइट करने वाले थे बट दियोखो युंगसुक को रोक लेता है, एज उसके अकॉर्डिंग वो इसकी विन का फैसला अपने सॉन्ग के थ्रू करने वाले थे और उनकी परफॉर्मेंस भी अब स्टार्ट होने वाली थी। और पूरी ऑडियंस एक्साइटेड है युंगसुक को देख के, एज वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था और युंगसुक ने बताया था किस तरह से दियोखो ने पूछा था गाना गाने के लिए और उन्हें साथ में ट्रेन किया था और वो दोनों दोस्त थे, और ये चीज़ सुन के लोग दियोखो का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं बट स्टिल वो इस मौकरी से अनबावर्ड होकर अपने सॉन्ग फ्लाई अप पे परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। बट इतनी बड़ी ऑडियंस देख के युंगसुक नर्वस और एंग्शियस हो गया था और वो सही से नहीं गा पाता, जिस पे लोग उसका मजाक बना रहे थे कि वो डर पोकता और सही से नहीं गा सकता, जिस पे युंगसुक और ज़्यादा नर्वस हो गया था और उसे लग रहा था उनकी पूरी मेहनत उसने बर्बाद कर दी थी। तो इस पे दियोखो ट्राई करता है सिचुएशन को हैंडल करने की और अपने रैप पार्ट को पहले ही गाना स्टार्ट कर देता है, और ये सही में काम कर रहा था एज वो बहुत ज़्यादा सही से गा रहा था और पूरी ऑडियंस भी इस पे सरप्राइज थी। और अब युंगसुक भी थोड़ा शांत हो गया था और वो ट्राई करता उसके एडवाइस को फॉलो करने की, और अपनी माँ के बारे में सोच रहा था, ऐसा सबसे आप प्यार वो अपनी माँ से करता है और उनके लिए वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहता है अपने पूरे दिल और सोल से, और वो गाना स्टार्ट कर देता है और उसके गाते सभी लोग मैस्मराइज हो गए थे उसकी वॉइस से, और उनकी परफॉर्मेंस लोगों के साथ पूरी इंट्रैक्ट या फिर रेजोनेट कर रही थी एज ए ड्राइव हो रही थी उनकी मेमोरी से, जो दोनों अच्छी और साथ में थोड़ी बुरी भी थी। और इसके लास्ट में हम देखते हैं फ्लैशबैक को जब युंगसुक न्यू पॉन था उसकी मदर के साथ में, और उनकी परफॉर्मेंस को सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे थे और सभी उन्हें प्रेस कर रहे थे, एंड ऑब्वियसली वो इस कॉम्पिटिशन को जीत चाहते हैं। बट होबिन को अभी भी लग रहा था वो बस युंगसुक के लुक्स और पॉपुलरिटी की वजह से जीते थे, बट रिकॉर्डर का ऑनर उन्हें करेक्ट करता बताते हुए कि वो लोग उनसे बेहतर थे, और उनका डेब्यूट था वो भी पोस्टपोन हो गया था अनडिफाइंड पीरियड के लिए, मतलब कि वो कैंसिल हो गया था और इसके बाद
वो हिंसुक और दुखों के पास जाता है और दुखों से माफ़ी मांगता है जिस तरह से उन्हें उसे ट्रीट किया था। ऑडिशन के टाइम पे बटो अपना कार्ड हिंसुक को देता है। एज उसके अकॉर्डिंग दुखों बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था और वो हर जगह अच्छा करेगा, बट वो प्रो नहीं जा सकता अपने लुक्स की वजह से। एज ऑडियंस बहुत ज़्यादा कोल्ड थी और वो चाहता हिंसुक उनके साथ साइन करें और वो उसे एक बहुत बड़ा एडवांस भी देगा, बट हिंसुक ऑफर को टर्न डाउन कर देता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। एज ये ऑफर एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, बट हिंसुक ने इसे भी टर्न डाउन कर दिया था और देव खवाम वहाँ से चले गया था। बट वो अभी अपने ड्रीम पे गिव अप नहीं करने वाला था और हम देखते उनकी परफॉर्मेंस को ऑनलाइन बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे थे और वो ट्रेंड कर रहा था। बट देव खवा को इस चीज़ से आइट आउट कर दिया गया था जिस पे वो बहुत ज़्यादा दुखी था, बट ट्राई कर रहा था टफ दिखने की। और इस पे जिन्हो और हिंसुक जो अपनी ऑरिजिनल बॉडी में था ट्राई कर रहे थे काम डाउन करने का, ये बताते हुए कि जो दोनों परफॉर्म कर रहे थे उनकी लुक्स मैटर नहीं कर रही थी। एज उनके सॉन्ग डायरेक्टली लोग इस साथ में इंटरेक्ट या फिर रेजोनेट कर रहे थे और जो फील करना चाहते थे वो ऑडियंस भी फील कर रही थी। और इसके हम देखते हैं एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी डीजे को जो इस परफॉर्मेंस को देख रहा था और इसे सेंड करता है सू जियोंग को, जो हिंसुक को पहचानती है एज स्कूल में पिटा था जोंग जियोंग के हाथों से। और जब वो गाना सुनती है ये सेम गाना था जो हिंसुक ओरिजिनल बॉडी कनिस्टोन ने प्रैक्टिस करती थी और वो समझ जाती है कि वहाँ पे क्या चल रहा था और क्यों हिंसुक स्कूल में उसे पहचानता था, क्योंकि वो भी हिंसुक की तरह ही थी और उसके पास भी दो बॉडीज थी। और एपिसोड के लास्ट में देखते हैं हिंसुक को जो वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में चले गया था और उसकी दीवार पे कुछ फोटोग्राफ थी जिसमें हम देखते कि इंजॉय कर रहा था फेस्टिवल को, और कुछ फोटोज थी उसकी ओरिजिनल बॉडी में उसके फ्रेंड्स होबिन और दुखों के साथ में, और साथ में एक फ़ोटो थी बॉस को और उसकी माँ और उसकी खाने पे जाते हुए, और साथ में पता लगता है कि एक्सरसाइज भी शुरू कर चुका था। बट लास्ट में फ़ोटो देखते हैं उसकी दोनों बॉडीज की जो उसने ज्वाइन की थी टेप के साथ में, और यहीं पे एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था और जो सॉन्ग फ्लाई अप हिंसुक और देवखा ने परफॉर्म किया था वो आपको एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। और साथ में इतने जी परफॉर्मेंस के बावजूद लोग देव खवा को उसके लुक्स पे जज कर रहे थे। और हम देखते इस एपिसोड में कि हिंसुक देव खवा और जीहो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, और जो एपिसोड था ये बहुत सारी बहुत बड़ी चोट था सीजन 2 के लिए। एट लास्ट में हम देखते हैं सू जियोंग को जिसके पास भी दो बॉडीज थी हिंसुक की तरह, और इस दिन बहुत सारा सही था और बहुत सी वैल्यूज देता कि कैसे सॉरी जज करते लोगों को उनकी लुक्स के अकॉर्डिंग। बट स्टिल आपको गिव अप नहीं करना चाहिए अपने ड्रीम्स पे, बट ये बहुत ज़्यादा चीज़ें भी छोड़ देता है जैसे कि बॉडी कहाँ से अपेयर हुई थी और कौन ये कर रहा था और क्यों। बट एक अच्छी चीज़ थी हिंसुक के बारे में क्यों एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता अपनी ओरिजिनल बॉडी में ताकि उसे न्यू बॉडी पर डिपेंड ना रहना पड़े, एज ये बॉडी कहीं भी वहाँ से गायब हो सकती है। बट अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है सीजन 2 के बारे में, और जब होगी तो मैं आपको बता दूंगा। और आपके क्या व्यूज़ थे इस सीज़न पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट मैम, तब के लिए बाय सनारा। करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।